मसीहसू के जलाली बरकत और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो मेरा नाम पास्टर सनी यूनस है और मैं छोटे सांदा से हूँ खुदांद का शुक्र है कि खुदावंद ने आज ये मुझे, मुझे मौका दिया कि मैं किंग टेलीविजन पर खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम की बशारत करूं और मैं कंज्यूमिंग फायर मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन पास्टर जॉन एडी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ पर मैं खुदांद की बातों को आपके के दरमियान शेयर कर सकूँ और मैं पास्टर रिचल जॉन का भी अपनी बहन का भी शिक्र गुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आज यहाँ पर खुदांद के कलाम को आपके दरमियान पेश करूँ खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कंज्यूमिंग फायर मिनिस्ट्री का हिस्सा बन पाया और यह खुदांद की मेहरबानी है कि मैं और मेरी मिसिज़ उनकी टीम का एक हिस्सा खुदा खुदात आप सबको बरकत दे मैं आपके दरमियान कलाम को शेयर करूँगा आइए मेरे अज़ीज़ों हम यहन्ना रसूल की बाबत लिखी गई अंजील उसका बारवा बाप और उसकी बीसवीं से हम इसकी तलावत करेंगे जो लोग ईद में प्रस्तश करने को आए थे उनमें बास यूनानी थे बस उन्होंने फिलपस के पास जो बैसदा ग्रील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यसु को देखना चाहते हैं फिलपस ने आकर इंद्रियास से कहा फिर इंद्रियास और फिलपस ने आकर यस्सु को ख़बर दी यसु ने जवाब में उनसे कहा वो वक्त आ गया कि इबन आदम जलाल पाए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना ज़मीन पर गिर मर नहीं जाता अकेला रहता है लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है पाकलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो खुदा का शिक्र हो मेरे अजीज हो खुदा खुदा ने जब कायनत को तकलीफ किया खुदा खुदा ने जब आसमान और ज़मीन को बनाया खुदा खुदा ने जब रूह ज़मीन के ऊपर नूर को बनाया खुदा खुदा ने जब तमाम तचरंद प्रद हवा पानी सूरज चाँद सितारों को और हर तरह के नबातात और अबातात को खुदा खुदा ने जब खलक किया तो खुदा खुदा ने कहा कि अच्छा है खुदा खुदा ने क्या कहा जी अच्छा है खुदा खुदा ने हर एक चीज़ को जब तैयार करना शुरू किया तो खुदा खुदा ने हर एक चीज़ को कहा कि ये अच्छा है खूबसूरत है फिर खुदा खुदा ने नैर अकबर को बनाया नर अजगर को बनाया तो खुदाओं खुदा ने कहा अच्छा है जब हम पदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो खुदाओं खुदा ने हर एक चीज़ को क्या कहा जी अच्छा है हर एक चीज़ को खुदाओं खुदा ने कहा यह खूबसूरत है और खुदाओं खुदा ने तकरीबन सात मरतबा लफ्ज़ जो पदाइश की किताब का जो पहला बाप है दूसरे बाप तक खुदाओं खुदा ने कहा कि सब कुछ अच्छा है इसके बाद खुदा खुदा ने यह जब सब चीज़ें तैयार करने से पहले खुदा खुदा ने फ्रिश्तगान को तैयार किया तो खुदा ने कहा कि अच्छा है खुदा खुदा ने क्रोबीन को तैयार किया तो खुदा खुदा ने, ने कहा कि अच्छा है खुदा खुदा ने सरफ़ीम को तैयार किया तो खुदा खुदा ने कहा कि अच्छा है और खुद खुदा ने तीन बड़े फरिशतगान को तैयार किया कितने जी तीन बड़े फरिशतगान को तैयार किया जिसमें से नंबर वन पे खुद खुदा ने लूसीफ़र को तैयार किया तो खुदा खुदा ने कहा कि अच्छा है और खुदा खुदा ने उसको आग के साथ तैयार किया तो खुद खुदा ने उसको बर्क कर दिया खुदा खुदा ने कहा ये अच्छा है और लूसीफर वाहद ऐसा फरिश्ता था कि पूरी कायनात पर वो घूमता ज़मीन रुहे ज़मीन के ऊपर घूमता और वो खुदांद के लिए सताइश इकट्ठी कर कर तख्त के पास लेकर जाता और खुदावंत का खुदा खुदा ने उसे मॉर्निंग स्टार कहा गया और जब खुदा खुदा ने जैसे हम देखते हैं कि अक्सर हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमें एक खूबसूरत सा सितारा दिखाई देता है उसको मॉर्निंग स्टार का नाम दिया गया और खुदा खुदा ने कहा कि ये अच्छा है और खुदा खुदा ने उसके बाद मिकाइल को जो फतहमंद एक फरिश्ता है उसको जब तैयार किया जो जो जोर आवर जो जंग जू है तो खुदा खुदा ने कहा कि ये अच्छा है फिर खुदा खुदा ने जबराइल को जो पैगाम रसा है जो पैगाम पहुँचाता है तो खुदा ख़ुदा ने उसको भी कहा अच्छा है खुदा खुदा ने हर एक चीज़ खूबसूरत मेरे अजीजों बनाई और हर एक फरिश्तगान की हर एक चरंद प्रिंद को खुदा खुदा ने जब तैयार किया तो फरिश्तगान के दिल में ये ख्वाहिश उठी कि जिसने हमको खलक किया है कि जिसने हमको बनाया है कि जिसने हमको इस तरह का बनाया है तैयार किया है हम उसको देखें हम उसको देखें तो हर एक की ख्वाहिश थी कि हम किसको देखें जिसने हमको तैयार किया है हम उसको देखें और मेरे अजीजों जब हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल की बाबत जो लिखी गई अंजील है उसमें जो हम सीखने को हमें ये सबक मिल रहा है कि यूहन्ना रसूल फरमा रहे हैं कि बस हम यसू को यूनानी लोग जो हैं वो यसू को क्या जी देखना चाहते थे और वहाँ पर ईद थी ईद थी कि ईद फसा जो है एक बहुत बड़ी ईद मानी जाती थी और सोलह के लोग इस ईद में शामिल हुए थे अरब के लोग वहाँ पर शामिल हुए थे आसिया के लोग वहाँ पर शामिल हुए थे मुख्तलिफ़ रंगो नस्ल के लोग वहाँ पर खुदावंत की इस ईद में शामिल हुए थे और वहाँ पर यूनानी भी जो थे वहाँ पर आ पहुँचे और वो इस ईद का हिस्सा बने और वो कहते हैं जी आकर किसके पास फिलपस के पास फिलपस के पास, पास आकर कहते हैं जी हम यस्सु को देखना चाहते हैं और बड़े एहतराम के साथ उन्होंने कहा जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं आज हर एक की ख्वाहिश होती है हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है जब उसे खुदा का रूह मिल जाता है जब उसे रुलकदस कुद्दस मुहैया हो जाता है जब खुदा की जो दूसरा मददगार उससे मिल जाता है जब वो दुआओं में ठहरना शुरू हो जाता है जब वो सजदों में ठहरना शुरू हो जाता है तो वो ख्वाहिश रखता है कि जिसने मुझे तैयार किया है मैं उसे देखूँ फरिश्तार ने भी यही ख्वाहिश की आज हम भी यही ख्वाहिश करते हैं और हर एक इंसान की जबिलत के अंदर है के जिसने हमें तैयार किया जिसने हमको बनाया है हम उसको देखें मेरे अजीजों आप जानते हैं कि खुदाम खुदा ने जब इस पूरी कायनात को तैयार कर लिया आदम को जब तैयार किया तो आदम अकेला था आदम अकेला था आदम के नथनों में ज़िंदगी का दम खुदाम खुदा ने जब फूका तो वो भी ख्वाहिश रखता था वो भी इस बात की ख्वाहिश रख रहा था कि मैं भी जिसने मुझे तैयार किया है मैं उसको देखूं फिर खुदा ख़ुदा ने उसका लिए दूसरा मददगार उसकी मानद भजवाया और वो हवा के और मेरे अजीजों कोई भी इंसान खुदा को नहीं देख पाया यहाँ तक कि फरिश्तगान भी क्योंकि जो कोई खुदा को देखता था या फरिश्तगान को देखता तो वो मर जाएगा इसलिए हर एक इंसान ने अपने जहन में ये रखा कि जिसने हमें तैयार किया हम उसको देखने की ख्वाहिश रखें आज हम भी बहुत से लोग यसू को देखने की ख्वाहिश रखते हैं कि आप यसु को देखना चाहते हैं हम सब की ये ख्वाहिश है कि हम यसु को देखें लेकिन हम किस तरह यसू को देख सकते हैं हम किस तरह यसु को देख सकते हैं आइए हम इसी को मज़ीद देखेंगे जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें से बाज़ यूनानी थे बस उन्होंने आके फिल्फर से कहा जो सदा गलील का था और उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यसु को देखना चाहते हैं यसु को देखना चाहते हैं मेरे अजीज़ व ख़ुदाम यसु मसीह ने साढ़े तीन साल जब ख़िदमत का आगाज़ किया तो साढ़े तीन साल गाँव गाँव शहर शहर बस्तियों बस्तियों कोचे कूचे खुदा खुदा घूमते फिरते और खुशखबरी की मनादी करते रहे और आप सब जानते हैं कि खुदा यूसु मसी की मकबूलीत शहरत पूरे यूशलम में पूरे बनी इसराइल में फैल चुकी थी और हर एक शख्स खुदाम खुदा को जानता था आपने यार की बेटी को जिंदा किया आपकी मकबूलियत बढ़ गई और जब आपने लाजर को जिंदा किया तो आपकी शहरत पूरे यूशलम में फैल गई हर तरफ आपके चर्चा शुरू हो गया और लोग आपको जानना शुरू हो गए और आपको हर एक लोग देखते थे लोग शिफा पाते थे लोग आपके चेहरे मुबारक को देखते थे लोग बरकत पाते थे लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों से छूट जाते थे बदरू गिरफ्तार जो थे वो भी चंगे हो जाते और मेरे अजीज़ों आप इस वाक्य को जानते हैं कि जब लाजर मर गया तो उनकी बहनें आकर यीशु को कहती हैं अगर तू खुदामत यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता लेकिन खुदाम खुदा ने कहा कि क्यामत और ज़िंदगी मैं हूँ क्या तू ईमान रखती है कि तेरा भाई जी उठेगा मेरे अजीजों उसका ईमान था अब जब आप कबर पर जाते हैं जब आप कबर पर जाते हैं लाजर लाजर ने भी यस्सु को देखा क्योंकि लाजर जो था वो यस्सू का बेस्ट फ्रेंड था जब लाज़र मर जाता है जब आप उसकी कब्र पर जाते हैं तो वहाँ के जो काहिन, फकी, फरीसी जो थे सदूकी जो तो थे वो ये समझ रहे थे कि आज जो मुर्दा जो चार दिन का मुर्दा ये यस्सु से ज़िंदा नहीं होने वाला क्योंकि आपने यायर की बेटी को जिंदा किया और उसके बाद खुदा आपने नाइन शहर के बेवा का बेटे को जिंदा किया तो आपकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये सब जो मुर्दे थे वो एक दिन दो दिन के मुर्दे थे जिनको आपने जिंदा किया और जो यहूदी थे जो वहाँ के फरीसी लोग थे वो ये समझते थे कि ये दो दिन के मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है एक दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है और ये किसी डिनोमिक चीज़ों के ज़रिए मुर्दों को जिंदा करता है बदरू के जरिए जो बाज बुल्स की मदद से ये बदरूहों बदरूहों के जरिए लोगों को जिंदा करता है लेकिन आप कायनते खलक हैं आप दिलों और गुरतों को जांचने वाले खुदांद हैं आप ये समझते थे कि यहूदियों के जहन में क्या चल रहा है वहाँ की हकूमत के जहन में क्या चल रहा है तो आप रुक जाते हैं आप चार तीन एक दिन रुकते हैं दो दिन रुकते हैं तीन दिन रुकते हैं चौथे दिन जब आप कबर पर आते हैं तो आप अपने शगिरदों से कहते हैं कि क़बर के आगे से मुंह के आगे से उसके पत्थर हटाना शुरू कर दो अब जो शगिरद थे वो इस बात से हैरान थे कि खुदावंद यहाँ पर बहुत बड़ा एक मजमा लग चुका है बहुत बड़ी एक एकतादाद है अगर आज मुर्दा ना जिंदा हुआ तो हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट और ये चार दिन हो चुके हुए लाजर को मरे हुए और अब तो बहने जो है वो कह रही अब तो इसमें से बदबू आ रही होगी और वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद थी मेरे अजीजों जो इस इस, इस वाक्य को देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए और जब वहाँ पर इकट्ठे हुए तो खुद खुदा ने बज़ बुलंद कहा कि कब्र के मुंह के आगे से पत्थरों को हटाना शुरू करो और जब जैसे ही आपने पत्थरों को हटाना शुरू किया तो मेरे अजीज़ों खुदा खुदा के मुबारक अल्फाज जो खुदा का जिंदा पाक कलाम है सबसे पहले वो लाजर के पास पहुँचा और जैसे ही लाजर के पास पहुँचा खुदा खुदा ने कहा कि लाजर कबर से बाहर आ जा तो मेरे अजीज़ों वो तकरीबन तीन मंजिला नीचे था तीन मंजिला वो नीचे था और जैसे ही लाजर को पता चला कि मैं तो पट्टियों में लिपटा हुआ हूँ और मैं अब जिंदा हो चुका हूँ तो वो भागते हुए फौरन यस्सु के पास आ गया हले वो भागते हुए यस्ू के पास आ गया और वो उसको पट्टियों के साथ लिपटा हुआ था और उसमें से ज़रा सी भी बदबू नहीं आ रही थी मेरे अजीज़ों और कलाम में लिखा कि लाजर जो था वह यस्सु का दोस्त था उसका बेस्ट फ्रेंड था और बहने कहती हैं कि अब तो उसमें से बदबू आती आती होगी और मेरा मानना ये, ये है कि हो यसू का यार और उसमें से बदबू आए हो खुदावद की कुर्बत में रहने वाला तो उसमें से बदबू आए लाजर जिंदा हो गया आपकी शोहरत पूरे यरूशलेम में फैल चुकी हुई थी और यूनानी जो हैं और वो कहते हैं हम यस्सु को देखना चाहते हैं आगे सुनिए फिर इंद्रियास ने आकर फिलपस फिलपस ने आकर यस्ु को ख़बर दी अब यसु मसीह के पास भी मेरे अजीजों उनके पास भी जाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं खुदा में मसीह के बारह शगिरद थे आज हमने किसी किसी वजीर आजम से मिलना हो किसी खुदा के बड़े खादम से मिलना हो तो मेरे अजीज़ों हम रिलेशन उनके जो वहाँ पर रहने वाले होते हैं उनके साथ हम अपना रिलेशन कायम करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से इस खुदा के खादम के साथ मुलाकात कर सकें हम इस वज़ी अज़म के पास पहुँच पहुँच सकें तो फ़िलपस के पास कौन पहुँचते हैं यूनानी जो हैं वो फिलपस के आगे दरख्वास्त करते हैं और फिलपस भी आकर इंद्रियाज को कहता है कि कुछ लोग हैं जो यूनान के लोग हैं वो यस्ू को देखना चाहते हैं अब आगे सुनिए सु मसीह ने जवाब में उनसे कहा कि वो वक्त आ गया है अब वो यूनानी कह रहे हैं कि हम यस्सु को देखना चाहते हैं फिलपस और इंद्रियास को इस बात की समझ नहीं लग रही कि वो साजिश कर रहे हैं वो यसू को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और यसु मसीह ने उनको ऐसा जवाब दिया जो कॉन्टेस्ट के अंदर फिट ही नहीं होता जो उसके अंदर मौजूद इन्हें यसु मसीह ने उनसे कहा कि वो वक्त आ गया है कि इबन आदम जलाल पाए हाले इब्ने इबन आदम जलाल पाए और खुदामी यसु मसीह ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं खुदाम यसु मसीह की बेशुमार आयत करीमा है जिसमें लिखा हुआ है मैं तुमसे सच कहता हूं और यीशु मसीह ने जब भी कहा है सच कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लगता है मेरे अजीजों यूनानी कह रहे हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं यूनानी कह रहे हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं फिलपस और इंद्रियाज को ये बात समय नहीं लग रही और सु मसीह ने जवाब में कुछ और कहा सवाल कुछ और है जवाब कुछ और मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि जब तक गेहूं का एक दाना गेहूं का एक दाना गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है मेरे अजीजों आप मुकदस यूसुफ के बारे में जानते हैं मुकदस यूसुफ उनकी एक वसीयत थी उन्होंने मरने से पहले एक बहुत खूबसूरत बात उनके मरने से चंद लम्हा पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी वसीयत की थी और पदाइश के पचा, पचासवें बाब की आखिरी आयत में ये मकूम है कि जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी हड्डियाँ मेरी हड्डियां यहां से खुदावंद खुद ही इसको जाने देगा लेकिन उसको अभी पता नहीं है कि हड्डियां हड्डियाँ कहाँ जानी वो अपने ख्याल से ही अपने दिल से ही ये कह रहा है कि जहां तेरी हड्डियां जानी होंगी खुदा तुझे वहां पर ले जाएगा और जब हम देखते हैं मूसा जैसा जलील कदर जिसे कलीम उल्ला भी कहा जाता है जिसे खुदावंत का दोस्त भी कहा जाता है वो उठता है और जब कौम बनी इसराइल को ले जाता है तो मुल्क मऊद में वहां पर इसकी हड्डियां पहुंच जाती हैं मर्द खुदा मूसा यूसुफ की हड्डियों को वहां पर ले जाता है अब आप एक बात सुनिए से। जब खुदा में मसीह सलीब के ऊपर अपनी जान दे रहे थे आज हम चा, देखना चाहते हैं कि हमारा अनुवान था कि हम यस्सू को किसको जी यु को देखना चाहते हैं अब यूसुफ की हड्डियां जो थी वो यरूशलेम में और यरूशलेम के अंदर ही सारी मुकदसाओं की इब्राहिम की इजहाक की यकूब की और जितने भी नबी वहाँ पर हैं उन सब की कब्रें यरूशलेम के अंदर मौजूद हैं अब वो अपने ख्याल से ये कह रहा है कि जहाँ इन हड्डियों को जाना है उनको वहाँ पर जाने दे और मर्द खुदा मूसा जो है वो उन हड्डियों को वहाँ पर रूशलम ले जाते हैं और मेरे अजीजों इब्राहिम इब्राहहाक यकूब दाऊद नबी एहलिया नबी हिस्कियल नबी यसाया नबी मलाकी नबी ज़िक्रिया नबी नबी और जितने भी मुक़दसन थी सब की सब की कब्रें योशलम में मज़ुदा में मसीह जब यरूशलेम में पहुँचते हैं तो कहते हैं यरूशलेम ए यरूशलेम ए मैंने कितनी बार चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है मैं भी तुझे छुपा लूं लेकिन तूने ऐसा ना चाह और देख अब मैं तुझ में ही मरने के लिए आ रहा हूँ हालेलुया मेरे अजीजों जब खुदाम खुदा यसु मसीह सलीब के ऊपर अपनी जान दे रहे होते हैं वाज बुलंद के साथ चिल्ला कर अपनी जान दे दी जब आपने जान दे दी कलाम में लिखा है कि कब्रों के मुंह खुल गए कब्रों में दरारें पड़ गई और जो हैकल का पर्दा था वो सेंटर में से दो हिस्से हो गया अले जैसे ही आप जान दे देते हैं यूसुफ जिंदा हो गया इब्रह जिंदा हो गया इजहाक जिंदा हो गया यकूब जिंदा हो गया यहां तक कि योहन्ना अस्तवादी जिसका सर काट दिया गया था वो भी जिंदा हो गया हाले लुया और मेरे अजीजों जैसे ही वो जिंदा हो गए तो किसी की जरूरत नहीं हुई वो कबर से बाहर भी अपना पांव निकाल सके किसी ने जरूरत नहीं की कि वो अपना हाथ को भी बाहर निकाल सके किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो कबर की मट्टी को पीछे कर दे वो मनोमन की मट्टी में धसे हुए हैं लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि वो क़ब्र से बाहर भी आ जाए और मेरे अजीजों जैसे ही खुदावियमी सब्बत के रोज़ तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठते हैं और जैसे ही आप क़ब्र मुबारक से बाहर आते हैं और मेरे अजीज़ों वहाँ जो कबर की मट्टी भी थी वो मेरे यस्ू को बर्दाश्त ना कर सकी हालेलुया वो यस्सु को बर्दाश्त ना कर सकी और जैसे ही आप कबर में से बाहर आए तो जितने भी आदम से लेकर योहन्ना तक यहाँ तक के जितने भी मुक़दसन थे सब के सब जो मर गए थे वो यसु मसीह के साथ पीछे लिए और खुदांद के तख्त के पास हाल लिया के तख्त के पास वो पहुँच गए और खुदा खुदा ने कहा जाके बाप से अ बाप ये वो फल है जिन्होंने मेरे नाम की गवाही दी ये वो फल है जिन्होंने मेरी खातर मार सही ये वो फल है जो भूखे रहे ये वो फल है जिन्होंने कई साल बियाबान में वक्त गुजारा ये वो फल है जो खुदा खुदा मुश्किलों मुशक्तों में परेशानियों में रहे और देख ये फल को मैं आज जिंदा करके तेरे पास लेकर आया हूँ हाले लोहिया खुदा यूसु मसीह ने कहा कि एक दाना जब तक गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है लेकिन जब मर जाता है बहुत सा फल आता है मेरे अजीज़ों आप यीशु मसीह का फल है आप यीशु मसीह का फल है आज हम देखना चाहते हैं कि यीशु को कैसे हम देखना चाहते हैं मैं ज़्यादा टाइम नहीं सिर्फ दो मिनट आपका हो लूँगा आज हम यीशु को देखना चाहते हैं हम किस तरह यीशु को देख सकते हैं हम जब सिफनेस को देखते हैं कि स्टेफनस को मारा जा रहा था संसार किया जा रहा था तो वो कह रहा था कि वो उसने मरते मरते ये कहा कि मैं खुदा बाप के जलाल को खुदावंद को यस्सु को खुदा बाप को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े हुए देखता हूँ मेरे अजीजों स्टेफनस ने खुदावंद यस्सु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े हुए देखा अगर आप यस्ू को आज देखना चाहते हैं तो उसके लिए मार खाएं, उसके लिए कोड़े से हैं उसके लिए मुक्के खाएं, उसके लिए अपने आप को शर्मिंदा कर दें उसके नाम की खातर मेरे अजीजों दुख से हैं आज हमारे बहुत से मसीह बहन भाई हैं जब उनको जॉब मिलनी होती है जब कभी उनको जॉब के लिए कहा जाए जैसे ही उसके सीवी को या उसकी फाइल को देखते हैं और जैसे ही उसके ऊपर हम पढ़ते हैं इसका नाम आशर यूनस है और ये मसीह है तो फ़ौर ही उसकी फाइल जो है डस्टबीन में फेंक दी जाती है जैसे ही हमारी बेटी और बेटियों को हमारे मसी यीशु की खातर जॉब नहीं मिलती और वो शर्मिंदा हो जाती और आज हम देखते हैं अगर हमने यस्सु के चेहरे को देखना है मेरे अजीजों तो हमें उसकी खातर दुख सहने पड़ेंगे आज ये तो कीजिए अपने ऊपर कि अगर हमने यस्सु को देखना है तो उसकी खातर मार और शहादत हासिल करनी करनी पड़ेगी खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे गॉड ब्लेस यू आइए अजीज़ों मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ आसमानी पिता हम तेरे नाम की शुक्र गुज़ारी करते हैं खुदाम तो भला है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है मेहरबान खुदा व खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज ये मौका बख्शा कि खुदा खुदा हम तेरी ज़िंदगी बख्श आवाज़ को किंग टेलीविजन के ज़रिए से पूरी दुनिया में खुदा खुदा इस आवाज़ को फैलाने वाले बन सके खुदा खुदा तूने बड़ी रहनुमाई और हमारी मदद की और खुदाओं खुदा खुदा अपने रूह और सच्चाई के साथ तेरे कला में को बयान किया और खुदा खुदा जिस जिस घराने में खुदा खुदा किंग टेलीविजन इस वक्त ऑनलाइन है खुदा खुदा किसी भी एडवाइस के जरिए यूट्यूब के जरिए वो देख रहे हैं खुदा व खुदा और इस कलाम के वसीला से खुदा खुदा वो बरकत पाएँ खुदा व क्योंकि हम तुझे देखना चाहते हैं खुदा खुदा हम तेरी खातर बहुत सी मुसीबतें भी उठाएँगे तो खुदा खुदा हम शर्मिंदा ना होंगे क्योंकि खुदा खुदा हमारी आँखें जो हैं खुदा खुदा वो तेरी तरफ टिकी हैं खुदा खुदा इस मिनिस्ट्री को खुदा खुदा इनके फाउंडर चेयरमैन को जॉन साहब को खुदा खुदा बाजी रेचल को खुदाओं खुदा तू मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कसरत से इस्तेमाल करना उनकी पूरी काविशों को और उनकी पूरी टीम को कसरत से खुदाओं खुदा तो छू और बड़ी बरकत यसू के नाम में आमिर